जाना, मैं एक चीज सोच रहा हूँ सर, मंदिर जो कर रहा है सर, इससे ज्यादा वैल्यू रहता जो इंडस्ट्री कर रहा है। जो आदमी इंडस्ट्री करके इतना टेंशन लेके इतना प्लांट पे कर रहा है, उसका अंडर में अगर 1000 आदमी काम कर रहा है तो 1000 को परिवार को चलाता है। कोई मंदिर इतना पैसा में मंदिर करेगा, कितना परिवार को चलाता है? इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं भगवान जैसे मानता हूँ, और इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलता हूँ जो भी है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए वो लोग कुछ करें। अनएम्प्लॉयड यूथ जो है मार्केट ये बाजार में, सपोज किसी के पास, जैसे तुम्हारा घर का पास एक इंडस्ट्री था, उनको हम रिक्वेस्ट किए सर, हम बोले आपका जो जितना अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको मेरा पास भेजिए, मैं उनको ट्रेन करके आपको भेजूंगा सर, आपका इंडस्ट्री का एक एक एसेट बन के रह जाएंगे सर। क्योंकि ये लोग आप लोगों ने मिट्टी है सर, हम मिट्टी को हम लाते हैं, इसको पुतला बनाते हैं सर, तो मार्केट में बिक्री हो जाती है, होता है। मिट्टी को कोई नहीं लेगा, लेकिन पुतला को सब ले जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग में 1990 से स्टार्ट किया था सर, 31 साल हो गया इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग। ये कोई ये नहीं है, मेरा पावर प्लांट टेक्नोलॉजी, बॉयलर टेक्नोलॉजी, पिलेट टेक्नोलॉजी, स्पॉन्ज आयरन टेक्नोलॉजी, डीएम प्लांट टेक्नोलॉजी सर, ये सब क्या लड़का लोगों, सपोज एक लड़का को डिग्री है, उसका पास सर्टिफिकेट सर, लेकिन उसको टर्बाइन कैसे चलाएगा मालूम नहीं है, वो तो है सर, हमको इतना जानने का नॉलेज नहीं है। हम जिसमें काम करेंगे इतना में काम करेंगे, और इतना ही नॉलेज चाहिए, लेकिन इसमें मास्टरी होना चाहिए, तब इसका पीछे नौकरी भागेगा और नौकरी के पीछे भाई नहीं भागेगा। इसीलिए मैं इंडस्ट्री को बोलता हूँ, जितना भी उनका पास में गांव है सर, वही गांव में बहुत अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको अगर थोड़ा उनका सर में हाथ डाल देंगे ना इंडस्ट्रियलिस्ट सर, वो ट्रेनिंग ले लेंगे, ट्रेनिंग लेके कोई अगर वो बोलेंगे मेरे को बिहार से, पटना से, दिल्ली से लड़का लाके ट्रेनिंग देंगे, वो मेरा पास रहेगा, वो गलत बात है, गलत बात है सर, वो कोई नहीं रहेगा। सपोज मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, एक प्लांट में ट्रेनिंग लूंगा, मैं काम सीख गया, ये प्लांट मेरे को 50,000 दे रहा है, कोई प्लांट 60,000 देगा, मैं तुरंत बिना बता के जाके वहां ज्वाइन कर लूंगा, तो खाली हो गया सर, खाली हो गया सर, क्योंकि मेरा प्लांट मेरा देश में है, मेरा गांव में है, तो मेरा गांव का लड़का क्यों भूखा रहेगा? वो आके लेबर में काम कर क्यों काम करेगा लेबर में? आप मेरा एरिया में इंडस्ट्री करेंगे, मेरा लेबर आके, मेरा गांव का लड़का आके लेबर में काम करेगा? ये तो अच्छा, ये तो नहीं है जो है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट है, वो लड़का लोगों को डेवलप कराए, इसको क्यों कम पैसा में लड़का मिलेगा, और लड़का कभी भाग के नहीं जाएगा, ये लोगों का लोकल सपोर्ट ही रहेगा, इंडस्ट्री हमारा, इंडस्ट्री को अपना घर का जैसे रेस्पेक्ट देगा इंडस्ट्री।